एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निविदा क्लासेस। आई एम निविदा जायसवाल। हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड इंस्टाग्राम पे निविदा क्लासेस आईडी है, आप उसे फॉलो जरूर करेंगे। न्यू आईडी है इसलिए आप उसके फॉलोअर्स देख के सोचिएगा नहीं कि इतने कम फॉलोअर्स हैं करके। धीरे 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 आपके फॉलो करने के कारण वो बढ़ते जाएंगे। तो और एक टॉपिक को तैयार करने में मुझे बहुत समय लगता है, इसीलिए आप इसे अप्रिसिएट करने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, अप्रिसिएशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक है द ग्राउंड्स ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग डिग्री ऑफ डाइवोर्स ऑफ मैरिज बाय मुस्लिम वाइफ। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक मुस्लिम महिला को डाइवोर्स के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं। सेक्शन 13 के तहत बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं कि आप मुस्लिम सॉरी एक हिंदू महिला हो के आप अपने पति को डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। उसी प्रकार एक मुस्लिम जो महिला है उसे भी डाइवोर्स के लिए एक अधिकार प्रदान किया गया है कि आप भी अपने पति को डाइवोर्स फाइल कर सकती है। पहले क्या था कि मुस्लिम पुरुष जो है अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देते थे, बट मुस्लिम महिलाएं जो है अपने आप को पीड़ा में रखती थी और वह डाइवोर्स फाइल नहीं कर पाती थी। और पहले क्या था कि इसके लिए सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक ऐसी एक्ट बनाई गई जिसके तहत एक मुस्लिम महिलाएं जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं जो पीड़ित है, जिसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसके साथ मारपीट किया जा रहा है, जिसके साथ धोखा दिया जा रहा है, जिसके साथ एक तरीके से कहें तो एक गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो मुस्लिम महिलाओं को भी हक प्रदान किया गया है। कब कब किया गया है? मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 के तहत एक मुस्लिम महिला को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप भी अपने पति को डाइवोर्स फाइल कर सकती है अगर आपके साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही हो। तो मुस्लिम महिला जो मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट है 1939 के सेक्शन 2 में ग्राउंड्स दिए गए हैं, 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके आधार पर एक मुस्लिम महिला जो है अपने पति को डाइवोर्स फाइल कर सकती है। मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 बनने के पहले 3 ग्राउंड्स दिए गए थे। पहला था आपका इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड 7th पॉइंट था रिपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ एंड 9th पॉइंट था एनी अदर ग्राउंड्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ। बट क्या हुआ कि इस आधार पर मुस्लिम महिलाएं जो है अपने पति को डाइवोर्स तो फाइल कर देती थी, बट उनके साथ जैसे कि मारपीट, क्रुएलिटी एंड अगर उसका पति लापता हो जाता था, या फिर हम कह सकते हैं कि 7 साल की कारावास हो जाती थी, या हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस नहीं देता था, तो एक महिला जो है अपने आप को, मुस्लिम महिला जो है अपने आप को उसी में खुश रह के और अपने आप को रख लेती थी। बट क्या था कि मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 बनाया गया जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को 3 ग्राउंड्स तो पहले से दिए गए थे, इसके बाद 5 ग्राउंड्स जो है और जोड़ दिए गए। 5 और 3 हो गया 9। ओके, 5, 6, 7, 8, 3 तो पहले था और 6 और जोड़ दिया गया। ओके, तो हो गए कितने? 9 ग्राउंड्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से आधार पर एक मुस्लिम पत्नी जो है अपने पति को डाइवोर्स फाइल कर सकती है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पति का लापता होना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, पहले पति लापता होता था तो उनके पास ग्राउंड्स नहीं थे, उनके पास बेस नहीं था, उनके पास आधार नहीं था कि पति लापता हो जाता था। बेचारी मुस्लिम महिला जो है बिना डाइवोर्स के उसी पति की पत्नी बनकर अपने आप को जिंदगी जीने में अपने खुश समझती थी। बट क्या है कि हमारी सरकार के द्वारा 9 ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जो मुस्लिम महिला है उसको भी हक प्रदान करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मिसिंग हस्बैंड इसे बताया गया है, जो जितने भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसे मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में बताया गया है। और सेक्शन 2 के तहत 1-9 ऐसे क्लॉज दिए गए हैं जिसके आधार पर मुस्लिम महिला जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है। तो यहाँ पर सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि कोई भी मुस्लिम जो पति है चार वर्ष तक अगर लापता होता है तो एक मुस्लिम महिला जो है डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। ओके, अब यहाँ पर बात आती है सेकंड पॉइंट की, भरण पोषण न करना। जैसे कि 4 ईयर तक तो यहाँ पर मुस्लिम महिला जो है को टाइम मिल गया
कि आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो, बट जब वो कोर्ट में केस फाइल करती है तो इसके बाद जो जो कोर्ट है उसे 6 महीना का वक्त देती है कि ठीक है आपको मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा, बट अगर 6 महीना के अंदर अगर उसका पति आ जाता है तो यहाँ पर मुस्लिम महिला को, महिला जो मुस्लिम वाइफ है उस पर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ डाइवोर्स लेना चाहते हो या उनके साथ रहना चाहते हो। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक मुस्लिम महिला को राइट्स दिए गए हैं कि आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है भरण पोषण न करना नॉन मेंटेनेंस। इसे बताया गया है मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में बताया गया है। पॉइंट वाइज बता रही हूँ, जैसे कि 2 पॉइंट है तो सेक्शन 2 के क्लॉज 2, 3 पॉइंट है तो सेक्शन 2 के क्लॉज 3, ऐसे ऐसे बताया गया है। इसलिए अगर आप ये सब जो लाइनिंग दी हुई है उसे याद कर लेंगे तो क्लॉज क्लॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि नॉन मेंटेनेंस। नॉन मेंटेनेंस को, जैसे कि एक मुस्लिम पुरुष जो है एक मुस्लिम महिला का मेंटेनेंस नहीं करता है, जैसे कि आपकी 3 जो जरूरतें हो जाती हैं, रोटी कपड़ा मकान, अगर वो देने लायक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आप एक तो मुस्लिम महिला के साथ विवाह करके आए और उसको 3 जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो मुस्लिम महिला जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है। ओके, यहाँ पर एक केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यूसुफ बनाम सोरम्मा AIR 1971 केरल 261 का केस है, जिसमें यूसुफ जो है 35 ईयर का था एंड सोरम्मा जो है 17 ईयर की थी। दोनों के बीच में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है क्या होता है कि यूसुफ सिर्फ सोरम्मा को 1 मंथ तक रखता है। 1 मंथ रखने के बाद में क्या करता है कि उसे मायके भेज देता है, और मायके भेजने पर क्या होती है कि वह महिला 2 साल तक अपने मायके में ही रही रहती है, लेकिन यूसुफ उसका कोई खोज खबर नहीं लेता है। तो क्या सोरम्मा जो है डाइवोर्स फाइल करने के लिए डाइवोर्स फाइल कर सकती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या जो सोरम्मा है वो डाइवोर्स फाइल कर सकती है कि 2 साल तक उसका पति कोई खोज खबर नहीं लिया, और ना ही उसके जो 3 जरूरतें हैं आपके, जो आपकी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, उस जैसी तो कोई भी बात ही नहीं रही, उसे तो घर ही नहीं लेके गया, तो उसकी जरूरतों को क्या पूरा करेगा? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या वो सोरम्मा जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है। तो इसका आंसर जो होगा, डाइवोर्स फाइल कर सकती है। क्यों फाइल कर सकती है? क्योंकि सोरम्मा को 2 साल तक उसने कोई खोज खबर नहीं लिया, उसने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया। तो कोर्ट से क्या कहता है यूसुफ कि नहीं, मैं इसे ले जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लीज़ एक मौका दिया जाए। तो कोर्ट कहता है कि जब तुम 2 साल तक अपनी वाइफ का कोई खोज खबर नहीं लिए और इसके बाद अभी आके कह रहे हो कि मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, क्या ये तो कहा जाएगा ना कोर्ट के डर से या हम पुलिस के डर से या जेल के डर से ऐसा कर रहा है? तो इस प्रकार एक मुस्लिम महिला को एक अधिकार दिया गया है, राइट्स दिए गए हैं कि आप ऐसी घटना हो जाती है या आपके साथ आपके पति जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं या आपका खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है या आपको मायके में छोड़कर भूल गए हैं, किसी और के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकती है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आता है 7 साल का कारावास, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट सेक्शन। इसे मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम पत्नी का पति अगर 7 साल तक जेल में रहता है तो एक मुस्लिम महिला जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है। ओके, डाइवोर्स फाइल कर सकती है। जैसे कि, और ये डाइवोर्स कब होना चाहिए, जब जैसे कि आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो मुस्लिम पति के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं कि हाँ, अपील कर सकते हैं कि नहीं आपको 7 साल का कारावास को घटाकर 2 साल कर दिया जाए। तो कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन दे दिया जाता है कि हाँ आपको 7 साल का कारावास होगा ही होगा, तभी मुस्लिम महिला जो है अपने जितने भी सबूत है उसको दिखाती है कोर्ट के पास कि हाँ ये जो 7 ईयर का कारावास जो है सही में कारावास दिया गया है, इसे जेल के लिए कहा गया है। तो एक मुस्लिम महिला के पास ये भी एक ग्राउंड्स हो जाते हैं कि आप डाइवोर्स फाइल कर सकती है क्योंकि आपका पति 7 ईयर के लिए जेल जा रहा है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट आता है पति द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों का पालन ना करना, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ड्यूटी। इसे बताया गया है मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी पति जो है मैरिटल ड्यूटी मीन्स हो जाती है कि आपके जो भी
जो भी जैसे कि आपकी मैरिटल ड्यूटी है, वैवाहिक जो कर्तव्य है उसको अगर आप पालन नहीं करते हो कितने साल तक, 3 ईयर तक। आप इसे देख लेंगे एक बार, वैसे तो मैं मुझे जहाँ तक मुझे पता है उतना तो 3 ईयर है कि 3 ईयर तक आप अपनी अपनी वाइफ को वैवाहिक कर्तव्य को पालन नहीं करते हो तो एक मुस्लिम महिला जो है इस आधार पर भी डाइवोर्स फाइल कर सकती है। अब यहाँ पर बात आती है फिफ्थ पॉइंट, पति की नपुंसकता इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। इसे तो 1939 के पहले भी इसे ग्राउंड्स दिए गए थे कि अगर आपका पति जो है नपुंसक है शादी करने के बाद या शादी करने के पहले भी नपुंसक रहता है तो इसे मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के क्लॉज 5 में बताया गया है। एंड एक मुस्लिम महिला को ये भी ग्राउंड्स मिल जाता है कि आपका पति जो है इम्पोर्टेंसी है तो आप एक डाइवोर्स को, मुस्लिम महिला को एक ग्राउंड्स मिल जाता है कि आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर बताया गया 6 पॉइंट है कि पति का रोग से ग्रसित होना, हस्बैंड डिजीज। जैसे कि इसे कहाँ बताया गया है, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में बताया गया है, कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम महिला जो है शादी करके आती है अपने पति के पास तो देखती है कि उसे वेनेरल डिजीज है, फैलने वाली बीमारी है, तो एक महिला जो है अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। ऐसी घटना हो जाती है कि वो फैल सकती है, अगर आप एक दूसरे की संक्रामक बीमारी जिसे कहा जाए, संक्रामक बीमारी होती है तो उस तरीके की बीमारी को आप मेडिकल रिपोर्ट पूरा दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये सब चीज़ ये सचमुच में है, तो आप एक कोर्ट से आप डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। आप कह सकती हैं कि नहीं, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि ये संक्रामक बीमारी से पीड़ित है। और यहाँ पर एक और बात बताया गया है कि जो चर्म रोग होता है, ल्यूकोडर्मा जिसे कहा जाता है, वो फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो इस आधार पर आप डाइवोर्स नहीं फाइल कर सकते हो। या हम कह सकते हैं कि अगर बहुत ही भयानक बीमारी हो जो फैलने वाली हो, संक्रामक बीमारी हो, तो एक मुस्लिम महिला को ग्राउंड्स दिया जाता है कि आप अपने पति से डाइवोर्स ले सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर 7 पॉइंट आता है कि पत्नी द्वारा विवाह का विखंडन, रिपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। इसे मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 7 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक पत्नी जो है विवाह का विखंडन कर सकती है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खयारुल बुलुग ऑप्शन ऑफ पुपर्टी सेक्शन 2 के क्लॉज 7 में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुत ही आसानी से आपको समझा रही हूँ। एक लड़की है, ओके, और उसकी उम्र है 15 साल, या हम कह सकते हैं 15 साल से कम उम्र की लड़की है, ओके, एंड उसकी शादी एक पुरुष से करा दी जाती है। किसके माध्यम से? उसके गार्जियन के माध्यम से। गार्जियन के माध्यम से उसकी शादी पुरुष से करा दी जाती है। तो एक जो महिला जो है, अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं हुआ है शादी के बाद, तो महिला जो है अपने पति के साथ में पति से डाइवोर्स ले सकती है 18 ईयर होने तक डाइवोर्स फाइल कर सकती है, क्योंकि उसे अधिकार प्रदान किया गया है कि आप जो है 15 ईयर से पहले अगर संरक्षक के माध्यम से अगर शादी कराई जाती है आपकी, तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है तो आप 18 ईयर से पहले यहाँ पर पत्नी द्वारा विवाह के विखंडन, रिपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ के द्वारा आप यहाँ पर विखंडन कर सकते हैं ऑप्शन ऑफ पुबर्टी के माध्यम से। ओके, यहाँ आपको समझ में आया कि गार्जियनशिप के माध्यम से, संरक्षक के माध्यम से किसी भी महिला का अगर 15 ईयर से पहले या 15 ईयर तक शादी कराई जाती है तो रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो आप 18 ईयर से पहले आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती हैं, यानी विवाह का विखंडन कर सकती हैं। ओके, एक पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट है 1939 एक्ट, जो मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट है, उससे पहले भी था, इसे आप नोट करते जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, पति की क्रूरता, क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड। इसे बताया गया है मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 8 में बताया गया है। ओके, अब क्या था कि अब यहाँ पर था कि जब मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 जब नहीं आया था
तो क्या मुस्लिम पुरुष के द्वारा मुस्लिम महिला को जो है गलत व्यवहार किया जाता था या मारपीट किया जाता था, तो क्या मुस्लिम महिला जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती थी, नहीं फाइल कर सकती थी। तो इस आधार पर, इस ग्राउंड्स पर जब 39 में डाइवोर्स एक्ट लागू हुआ, तो इस आधार पर तो एक मुस्लिम महिला जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ना कि सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया या पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा एक्ट बनाया गया कि मुस्लिम महिला को ऐसे ग्राउंड्स दिए गए कि आपके साथ अगर आपके पति जो है मारपीट करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्रुएलिटी जैसी घटना करते हैं, तो आप जो है इस ग्राउंड्स के आधार पर भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर 9th पॉइंट आता है, मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य आधार, एनी अदर ग्राउंड्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ। इसे भी 1939 एक्ट से पहले इसे बनाया गया था। 3 ग्राउंड्स थे, ये तो है आपका 5, 7 एंड 9, ये भी ग्राउंड्स था 1939 से पहले। इसे बताया गया है 1939 एक्ट जो है सेक्शन 2 के क्लॉज 9 में बताया गया है। अन्य आधार के अंतर्गत आपके पॉइंट आ जाते हैं लिया एंड, और सेकेंड पॉइंट है इस्लाम धर्म का परित्याग, जो अपटेंसी फ्रॉम इस्लाम। जैसे कि यहाँ पर लिया में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एक पति जो है पत्नी पर गलत आरोप लगाता है, मींस एडल्ट्री का आरोप लगाता है कि आप जो है किसी और के साथ में हो या किसी और के साथ में रिलेशनशिप है आपका, तो इस आधार पर एक पत्नी जो है क्या करेगी कि डाइवोर्स जो है फाइल कर सकती है, क्योंकि पति के द्वारा जो है झूठा आरोप लगाया जाता है। इस तरीके की झूठा आरोप लगाने के कारण वह पत्नी जो है आप डाइवोर्स फाइल कर सकती है। ये एक केस यहाँ पर बताया गया है कि तुफैल अहमद वर्सेस जमीला खातून, AIR 1940 कोलकाता 95। इसे नोट आउट कर लेंगे क्योंकि इसके पति ने भी अपने वाइफ पर गलत आरोप लगाया था, जिसके कारण इनका जो मैटर है कोर्ट में चला गया था। एंड सेकेंड जो पॉइंट है, इस्लाम धर्म का परित्याग। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है विवाह के बाद इस्लाम धर्म का परित्याग कर देता है, तो एक महिला जो है अपने पति से डाइवोर्स फाइल कर सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, एक केस है सरवर यार खां वर्सेस जवाहर देवी 1964 IAWR 60। ये केस जो है इसमें क्या था कि मुस्लिम पति के द्वारा जो है इस्लाम धर्म का परित्याग कर दिया गया था। तो ये केस जो है कोर्ट में पहुंचा और यहाँ पर बताया गया कि कोई भी मुस्लिम पुरुष जो है इस्लाम धर्म का परित्याग कर देता है, तो एक महिला को जो है ग्राउंड्स मिल जाता है कि आप डाइवोर्स जो है फाइल कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग ने जितने भी मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1939 के जितने भी ग्राउंड्स बनाए गए थे, एक एक करके हम लोग ने डिस्कशन किया। इसमें कितने ईयर के बाद आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हो अगर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलता है, या कितने साल तक कारावास हो जाता है। इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने क्लियर किया। अगर आपको कोई भी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।